तो हे गाइस, दिस इज बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में आप सभी लोगों के लेके आए हैं एक नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 फिजिक्स का। इनको पढ़ने के बाद यार आप 70 में से 70 स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी के हर एक शब्द हर एक लाइन इसके अंदर हमने कवर करी है मात्र 10 पेजेस के अंदर। एनसीईआरटी तो मिलेगी, साथ में यार पिछले 10-12 साल में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सबके सब आपको यार क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशंस आपको इसके अंदर मिल रहे होंगे। काफी शानदार नोट्स हैं यार, इससे बढ़िया मार्केट के अंदर नहीं है। ओपन चैलेंज है, काफी समय लगाते हैं हम इन्हें बनाने के अंदर। आपके जितने भी पीवाईक्यूज हैं या चाहे डायग्राम्स हों सब के सब इसमें चाहिए। 2011 में आया है, आप नीचे आओगे आपको सारी चीज़ें यार यहाँ पे दिख रही होंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए कहीं और जाना ही नहीं। ये यार 2017 में आया, 5 मार्क का आया, इसका सॉल्यूशन क्या है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से हमने सारी की सारी चीज़ लिखी। ये 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना इसे। फिर आपको साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वगैरह सब यहीं पर मिल रही होगी, आपको कोई और कहीं जाना ही नहीं। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल रही होंगी यार। राइट, तो मैंने पहले भी बताया यार, आपको अगर अपनी क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, आपको बस अपनी एनसीईआरटी ढंग से करनी है, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। और पीवाईक्यूज करने होते हैं तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी इसमें हमने छाप रखी है, पीवाईक्यूज सारे हमने इसके अंदर कवर कर रखे हैं। इसके बाद भी अंदर आपके थोड़ा वहम रह जाता है तो आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, आपकी जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनका ढंग से रिविजन करो। आपकी जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिल रहे होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर हमने बहुत सारे डाल रखे हैं। बस उतना ही करना है, इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं है। स्पेशली वो बच्चे यार जो कि जेई नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी फंडे यार क्लियर हैं, पर उन्हें देखना है कि बोर्ड में यार किस हिसाब से आंसर लिखने हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ये नोट्स डाउनलोड करने हैं और बस ये 10 शीट है, इनको रट के जाना है, 2 बार लिख लेना। ये रेड स्टार का मतलब यार ये है कि सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, ये नोट्स एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी नोट्स काफ़ी सारे बोर्ड्स में चलते हैं, सीबीएसई बोर्ड में ये रेड स्टार वाले टॉपिक नहीं आ रहे हैं। इस बार 30% सिलेबस हटाया गया। हर साल यार चाहे आप 21 में देख रहे हो या 2022 में देख रहे हो, कुछ ना कुछ सिलेबस डिडक्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, हर साल अपने नोट्स अपडेट कर देंगे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स मिलेंगे वो हमेशा अपडेटेड नोट्स होंगे आपके पर्टिकुलर साल के लिए। राइट, साथ में यार हमने मीम्स वगैरह डाल रखे हैं, इनमें भी काफ़ी टाइम लगाते हैं, चीज़ें इंटरेस्टिंग हों आप सभी लोगों के लिए। राइट, तो ये सारे के सारे यार आपको इधर ही चीज़ें दिख रही होंगी। और लास्ट में हमने एक शानदार चीज़ और करी है, स्पेशली आपकी जितनी भी डेफिनेशंस और डेरिवेशंस जो एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूछी जाती हैं हमने नोट्स के अंदर तो मार्क किया ही है, साथ में आपके जितने भी लास्ट में एक साथ हमने एक पेज के अंदर डाल दिया कि यार ये आपकी डेफिनेशन पूछी गई, ये डेरिवेशंस आई हैं, जिससे कि यार आप है ना लास्ट में जब रिविजन करने हो डेरिवेशंस के तो सीधा नोट्स का आखिरी पन्ना खोलोगे और देखोगे कि अच्छा यार ये सारे हैं मेरे को आते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। अगर नोट्स अच्छे लगे हो तो यार प्रिंट करो 3-4 बार और अच्छे लगेंगे, इनसे अच्छे हैं नहीं, 4 बार इनको है ना निकाल देना बोर्ड एग्जाम से पहले, 1-2 बार लिख लो, 2-3 बार ऐसे ही नजरें मार देना, ठीक है, सिर्फ 1 बार नहीं पढ़ना, 3-4 बार इन्हें पढ़ना है। और जाओ फोड़ो बढ़िया वाले तरीके से, वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप, बाय बाय, टेक केयर।